जैसा कि हमको मैं कल भी अपने मीडिया प्रेस बंधुओं से यह बोल चुका हूं कि यह मामला करीब 10-15 दिन पहले ही मुझे मालूम हो गया था और नवगछिया प्रशासन इस मामले को 10-15 दिन पहले से जान चुकी थी कि मेरे ऊपर खतरा बना हुआ है और मुझे भी इशारे इशारे में सारा चीज पता था। मैं इस घटना में जितने भी नवगछिया के प्रशासनिक पदाधिकारी हैं सबों का धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस मामले का उद्भेदन किया और सही वक्त सही समय पर सही काम करते हुए अपराधियों को अपने गिरफ्त में लेते हुए मुझे भी बचाने का काम किया और अपराधियों को भी ऑन द स्पॉट, जिसको कहते हैं फैसला ऑन द स्पॉट वाला, वो काम नवगछिया पुलिस के द्वारा किया गया। क्या हुआ था, क्या मामला आया था, क्या हुई थी, एक बार इसकी जानकारी दें। मामला तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि जितने भी अपराधी उसमें हैं मेरे खिलाफ में, उससे मेरी कोई जाति दुश्मनी नहीं है, ना ही मैं उसका कुछ कभी कोई मतलब रहा है हमको उनसे, लेकिन मेरे बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए मुझे लग रहा है कि कुछ राजनीतिक जो प्रतिद्वंदी हैं ऐसे लोगों को के द्वारा गलत तरीके से यह घटिया मानसिकता के तौर पर इस तरह की बात को अंजाम देने का काम किया है, जिसमें कि पुलिस पदाधिकारियों का बहुत बड़ा सहयोग मैं मानता हूं। क्या हुआ था, चला और उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। लोग भी देख रहे हैं, वो जानना चाहते हैं, अगर वो नहीं जाने, क्या हुआ था घटना, क्या आपके साथ होना था घटना। 2-3 दिन मैं जितने 5 लोगों का फोटो पुलिस पदाधिकारी के द्वारा मुझे दिखाया गया, 5 अपराधी को मैंने अपने अगल बगल में 3 दिन तक रेकी करते हुए देखा है। 2-4 दिन के अंतराल में 15 दिन के अंदर मेरे अगल बगल में वो लोग 3 दिन रेकी करते हुए नजर आए, लेकिन यही समझिए कि किस्मत हमारे साथ था और उन लोगों की हिम्मत काम नहीं किया कि मेरे सामने में वो गोली चलाने का हिम्मत नहीं किए, नहीं तो 3 दिन में वो किसी दिन भी मेरे ऊपर गोली चला सकते थे। 2 दिन मेरे साथ कोर्ट में हुआ है, 1 दिन तैतरी दुर्गा मंदिर में हुआ है। पुलिस लोकेशन उठा के जांच कर ले उस 5 अपराधी का, मेरे अगल बगल में उसका मोबाइल अगर नहीं 3 दिन आया होगा तो मैं दावे के साथ कहता हूँ मैं जो बोलता हूँ सही बोलता हूँ। अच्छा, क्या मतलब किस तरह के लोग हैं जो आपके हत्या की राजनीति करना चाहते हैं या आपके पीछे हत्या की मंशा से शूटर है या अपराधी है? नवगछिया में सब दिन राजनीति में कुछ घटिया लोग प्रवेश कर चुके हैं, जिसकी मानसिकता हमेशा रहती है कि विरोधियों को मारकर ही राजनीति करना है। अरे, अगर लोकप्रियता हासिल करना है आपको तो लोगों का विश्वास जीतिए और ऐसा कीजिए कि आप लोग अपने आप आपको याद करें। अभी मैं जहां नहीं भी जा रहा हूं वहां के लोग भी हम मेरे बारे में चर्चा करते हैं, ऐसा उन लोगों को सुनकर जलन हो रहा है, विरोधियों को जलन हो रहा है, इसके कारण हमको लग रहा है कि इस तरह की राजनीति हो रही है। सुरक्षा के लिए यहां के प्रशासन को जानकारी दी है, अपनी मांग की है? मैंने नवगछिया आरक्षी अधीक्षक, अनुमंडल पदाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी नवगछिया एवं डीआईजी महोदय भागलपुर सबों को आवेदन दे चुका हूं, सबों से मैं न्याय की गुहार लगा रहा हूं। आज इस घटना का 4th दिन है लेकिन अभी तक मुझे सिर्फ आश्वासन ही मिल रहा है, जमीनी हकीकत अभी तक प्रदान नहीं हुई है। अगर मुझे सुरक्षा मुहैया नहीं कराया जाएगा तो जैसे भय का माहौल मेरे परिवार के ऊपर है और समूचे मतलब मेरे जितने भी लोग हैं आज दिन भर मतलब फोन उठाते उठाते हम परेशान हैं और हर लोग यही कहते हैं सेपरेट हो जाओ, घर से मत निकलो, कहीं मत जाओ। और सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते रात दिन मेरा क्षेत्र में लोगों से लगाव रहा है और मेरा एक स्वभाव है जहां भी लोग मुझे याद कर लेते हैं दोस्त तो दोस्त, मैं दुश्मन के भी काम आना चाहता हूं,
अगर उसको भी जरूरत पड़े तो मैं उसके लिए सदैव खड़ा रहता हूँ। अंतिम क्या एक अपील करना चाहेंगे प्रशासन से, आप स्थानीय प्रशासन से क्या कहना? प्रशासन से तो मैं कहना चाहूंगा कि आपने जो अभी तक किया है मेरे लिए, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं, लेकिन मेरी सुरक्षा को देखते हुए मैं आपसे गुहार लगाता हूं, मेरे एवं मेरे परिवार को बचाया जाए। इस संकट की घड़ी में आप मुझे अंगरक्षक प्रदान करें ताकि कोई अप्रिय घटना मेरे साथ या मेरे परिवार के साथ घटित ना हो। आपका परिचय सर? संजीव कुमार सिंह, गोपालपुर विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी। उत्तम कुमार हुआ, नजरछिया प्रखंड उपप्रमुख। मैं यही कहना चाहता हूं कि मेरे और मेरे परिवार के ऊपर बहुत ही अभी खतरा मंडरा रहा है, जिसकी निष्पक्ष जांच प्रशासन के द्वारा होनी चाहिए। और जो अभी मामला आया है प्रताश में, इसकी बड़े अच्छे से जांच की जाए कि इसके पीछे कौन से राजनीतिक लोग हैं या किस तरह का मामला है जो